अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहू ने एक वीडियो में एक वाकया बताया। दोस्तों, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी की वो वीडियो कॉपीराइट के मसाइल से बचने के लिए अपलोड नहीं की जा रही है, लेकिन दोस्तों आपका दोस्त आपका भाई हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी का वो वाकया अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश करेगा। दोस्तों, वाकया ये है कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहिब के कोई दोस्त थे, उन पर कोई केस हो जाता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहिब के दोस्त जजों से बात करते हैं, मामले को रफा दफा करने के लिए रिश्वत का मुतालिबा होता है, और अगर रिश्वत नहीं दी गई तो जेल जाना पड़ेगा, जेल होगी। ये मामला तय पाता है, जिसको मौलाना कलीम सिद्दीकी साहिब के दोस्त ठुकरा देते हैं और जेल में जाना पसंद करते हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहिब को सारा मामला बता देते हैं। मौलाना कहते हैं, ठीक है, जेल में जाना भी अंबिया की सुन्नत है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहिब के दोस्त जेल में चले जाते हैं और वो जेल में जाकर तबलीग शुरू कर देते हैं। उनकी तबलीग करने की बरकत से 1500 आदमी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये वाकया खुद मौलाना कलीम सिद्दीकी साहिब बतला रहे हैं। यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अल्लाह ताला हज़रत की तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन।